साबरमती ट्रेन को जलाया नहीं गया सर, उनको जलने दिया गया। आज दिन तक सामान्य जनमानस के सामने आई नहीं कि साबरमती एक्सप्रेस के S6 में S7 में क्या हुआ। ये बहुत ही अच्छी पिक्चर है और हमारी सारी महिलाएं एक साथ आई हम लोग देखने के लिए, और ऐसा होना चाहिए ऐसी पिक्चरें आए और जो घटित घटनाएं हैं वो हमारे सामने आए और पता चले। षड्यंत्र किया था और ये जो हमारी धर्म के प्रति इन्होंने कितना घातक किया है, ये पिक्चर के सराहनीय पिक्चर है, सभी लोग देखने के लायक है। इन उत्तराखंड 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट 1996 ब्रह्मपुत्र मेल ट्रेन ब्लास्ट इन असम 1998 कोयंबतूर ब्लास्ट इन तमिलनाडु 2001 पार्लियामेंट अटैक 2002 गोधरा इंसिडेंट और कॉन्स्पिरेसी गोधरा, इस नाम से एक पिक्चर आई है जो इन दिनों में काफी चर्चाओं में है। वैसे पिछले कुछ वर्षों में कश्मीर फाइल्स, केरला फाइल्स, यूपी फाइल्स जैसी पिक्चरें आई है जो काफ़ी चर्चाओं में रही, वास्तविक घटनाओं को लोगों ने काफ़ी सराहा। अब जाकर एक फिल्म आई है जो गोधरा पर आधारित है। फरवरी वर्ष 2002 गुजरात में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी थे उस समय यह गोधरा कांड हुआ था, लेकिन वास्तविकता क्या थी वह इस फिल्म में बताया गया है। और ऐसे लोग जो तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई को मौत का सौदागर कहते थे, एक तरह से इस फिल्म ने वास्तविकता बताकर ऐसे लोगों के मुंह पे तमाचा मारा है। राजस्थान सांचौर जिले के बीजे पुरोहित ने भारतीय समाज के सामने बतौर निर्माता गोधरा की कहानी को फिल्म के रूप में प्रस्तुत किया है, जहां इस फिल्म के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि दंगे क्यों होते हैं। डायरेक्टर निर्देशक M.K. शिवाक्ष निर्देशित इस फिल्म में यह बताने का प्रयास किया है कि कार सेवक महिला एवं बच्चे जब राम मंदिर निर्माण के लिए यज्ञ रखा गया था, लेकिन दुर्भाग्य से अयोध्या से लौटते वक्त यह कांड हुआ जिसे गोधरा कांड कहते हैं। हालांकि बाद में आरोपियों को सजा भी हुई। ओम त्रिनेत्र फिल्म के बैनर तले बनी इस फिल्म में रणवीर शौरी और हीतू कनोडिया मुख्य किरदार में है, जबकि अभिनेता मनोज जोशी, डेनिशा घुमरा, अक्षिता नामदेव, गणेश यादव और राजीव सूरती ने अभिनय के प्रति बखूबी किरदार निभाया है। एक्सीडेंट और कॉन्सुलेंसी गोधरा में 59 लोगों की वेदना का फिल्मांकन किया है। नानावती मेहता आयोग की रिपोर्ट के तथ्यों पर आधारित फिल्म में ऐसे तमाम सवाल है जिसका जवाब एक्सीडेंट ऑफ कॉन्स्पिरेसी गोधरा में देखने को मिलेगा। इस फिल्म में बोर होने जैसी कोई बात नहीं है। ये फिल्म दर्शकों को वहां पर हुई घटनाओं को लेकर पूरे समय तक बांधे रखती है। इस फिल्म को रिलीज हुए यही एक ही हफ्ता हुआ है कि इस हफ्ते के बारे में लोगों की क्या राय है वो हमने आपको बताया। और आप पिक्चर अच्छी लगी मैंने भी, और दुख भी लागो सब मैं देखा नहीं आया।